वेलकम फ्रेंड्स आपके यूट्यूब चैनल इन्फाइनाइट टारगेट में। मैं रोशन राठौर आपके लिए लेके आया हूँ सीरीज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्ट से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो आज हम जानेंगे ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस के बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ये टॉपिक है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एज वेल एज डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन क्वेश्चंस और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो आपको इजीली रिमेंबर रहेगा एग्जाम के टाइम पे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग इज रिकमेंडेड व्हेन वी नीड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे DT और MSBT के माध्यम से। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है कहाँ पर रिकमेंड करेंगे, जब उसकी नीड क्या है। तो इट इज़ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नीड। ये देखो बेस्ड ऑन नीड, सो आपको सिलेबस में दिखा होगा नीड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीन प्रोसेस। सो आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप में रहेंगे और किस टाइप में पूछे जाएंगे। अभी इसका आंसर क्या है कि कौन से टाइम में हम ये नीड पे हम नॉन ट्रेडिशनल चूज करेंगे। उसके ऑप्शन दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स शेप रहेगा तब हम यूज़ करेंगे, नहीं तो हमें हाई सरफेस क्वालिटी चाहिए उस टाइप पे यूज़ करेंगे, या लो रिजिडिटी स्ट्रक्चर है उसके टाइम पे यूज़ करेंगे, और ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें से आपको चॉइस करना है राइट क्वेश्चन आंसर। सो इसका राइट आंसर है हम कॉम्प्लेक्स शेप में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, हाई क्वालिटी सरफेस में भी, और जब रिजिडिटी स्ट्रक्चर है लो रिजिडिटी स्ट्रक्चर वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे हम, मटेरियल इन थर्मल मशीनिंग इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। और तब भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्मल मशीनिंग। अब थर्मल मशीनिंग मीन्स व्हाट? थर्मल मशीनिंग इज अ कंसेप्ट बेस्ड ऑन द हीट, मीन्स वी प्रोवाइड द हीट फॉर द मशीनिंग ऑपरेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे और मशीनिंग करेंगे। अब हीट प्रोवाइड करेंगे तो तभी क्या आएगा, कौन सा ऑपरेशन होगा। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि क्वेश्चन के बेस पे। हमें जब मटेरियल रिमूव करना है तो कैसे इस टाइप में, अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वेपराइजेशन भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मेल्टिंग भी होगी जब हीट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स के बारे में है। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मूव होंगे। इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन पे ही आपका आंसर डिपेंड है। यहाँ पे क्वेश्चन थर्मल मशीनिंग पे आपको ध्यान रखना है, थर्मल मशीनिंग मीन्स व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू हीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में रहेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरफेस डिफेक्ट्स दैट मे बी ऑकर ड्यूरिंग द थर्मल मशीनिंग आर। अब इसका मतलब क्या है, जब हम थर्मल मशीनिंग करेंगे उसके सरफेस डिफेक्ट्स कौन से आ सकते हैं। तो उसका ऑप्शन दिए गए, माइक्रो क्रैकिंग है, हीट अफेक्टेड जोन है, स्टैटरेशन है, ऑल ऑफ द अबव मेंशन। सो अभी जब डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं तो फर्स्ट डिफेक्ट क्या आएगा वहाँ पे, माइक्रो क्रैकिंग है, माइक्रो क्रैकिंग और उसके बाद में हीट अफेक्टेड जोन। अब माइक्रो क्रैकिंग मीन्स क्या, मैंने यहाँ पे कुछ मशीनिंग की है, यहाँ पे मैंने कुछ मशीनिंग परफॉर्म की है इस टाइप में। यहाँ पे जब हीट मैं प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे, वहाँ पे सब माइक्रो क्रैक्स भी फॉर्म होंगे, यहाँ पे सब हीट अफेक्टेड जोन रहेगा, और स्टैटरेशन मीन्स यहाँ पे डेप्थ में कुछ उसका अफेक्ट होगा। थर्मल मशीनिंग करेंगे तो उसके डिफेक्ट्स आएंगे। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, दीज आर द ऑल द डिफेक्ट्स विच वेयर ऑकर ड्यूरिंग द मशीनिंग। इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सेज यूज इन थर्मल मशीनिंग आर। अभी कौन से सोर्सेस हम यूज़ करेंगे थर्मल मशीनिंग में। थर्मल ऑलरेडी डायरेक्टली याद रखना है, थर्मल मीन्स इट इज़ अ हीट एनर्जी, राइट, इट इज़ अ हीट एनर्जी। कौन से माध्यम से आपका मशीनिंग होगा। वहाँ पे हीट में आयन्स, प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉन्स ऑकर करेंगे। इसका आंसर भी राइट क्या है, ऑल ऑफ द अबव मेंशंस। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैक्यूम इज द मशीनिंग मीडियम फॉर। अब वैक्यूम मीन्स व्हाट, वैक्यूम मीन्स क्या कि एक क्लोज सरफेस है, वहाँ पे हमने एक टेम्परेचर मेंटेन किया है, एयर का टेम्परेचर मेंटेन है। उस टाइप में हम कौन सी मशीनिंग करेंगे। आपको याद रखना होगा हर एक वर्किंग प्रिंसिपल का। अभी LBM मीन्स लेजर बीम मशीनिंग है, WJM मीन्स वाटर जेट मशीनिंग है, EBM मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है। आपको
यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इस मशीनिंग के बारे में। सो लेज़र में क्या है कि हम लेज़र का यूज़ करके और मशीनिंग कर रहे हैं, लेज़र बीम ऑकर कर रहे हैं। नेक्स्ट वाटर जेट में वाटर का यूज़ कर, और इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके हम ये मशीनिंग करें। सो यहाँ पे लेज़र रहेगा, लेज़र को हमें क्या है एक प्री डिफाइंड पाथ प्रोवाइड करना है लेज़र को। यहाँ भी ये देखो प्री डिफाइंड पाथ है जो कि वैक्यूम के बाहर नहीं जाना चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा कि लेज़र बीम मशीनिंग। अदरवाइज एटमोस्फेरिक एयर यहाँ पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए लेज़र पे। सो हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, आंसर LBM राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड मशीनिंग। सेम क्वेश्चन पे क्वेश्चन में भी आंसर आपको मिल जाएगा। हाइब्रिड मशीनिंग मीन्स वॉट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू मशीनिंग। इट इज़ अ मशीनिंग, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज अ बी। वेन वी कंपाइल और वेन वी कंबाइन, दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें हाइब्रिड होगा यहाँ पे। सो हाइब्रिड मशीनिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मशीनिंग। सो आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना होगा कॉम्बिनेशन कौन से यहाँ पे दिए गए। एक अल्ट्रासोनिक इज सिंगल मशीनिंग है, इलेक्ट्रॉन बीम इज अ सिंगल मशीनिंग और लेजर बीम भी सिंगल मशीनिंग है। अभी देखो थर्ड ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक असिस्टेड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, मीन्स यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीन भी है और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है। सो दिस आर द टू कॉम्बिनेशंस। सो द आंसर ऑफ द हाइब्रिड मशीनिंग इज द अल्ट्रासोनिक असिस्टेड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, इन ट्रेडिशनल मशीनिंग विच ऑफ द कंपोनेंट इज मेड ऑफ रिलेटिवली हार्डर मटेरियल। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आपको हार्डर मटेरियल किस पे चाहिए, कौन से कंपोनेंट पे हार्डर मटेरियल चाहिए। अब डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं। हमें क्या है वर्क, वहाँ पे मशीनिंग में वर्क पीस कट करना है, होल्डिंग डिवाइस क्या काम कर रहा है, सिर्फ होल्ड करने का काम कर रहा है, और टूल क्या करता है कि मशीनिंग करता है। तो यहाँ पे हार्डर कौन सा कंपोनेंट चाहिए कि टूल, क्योंकि टूल हमारा वर्क पीस कट कर रहा है। दिस वन इज अ वर्क पीस और इसको होल्ड करने के लिए वर्क होल्डिंग डिवाइस हमने लगाया है। बट हार्ड कौन सा चाहिए, टूल चाहिए। यहाँ में हमें टूल इज अ हार्डर क्वांटिटी में चाहिए, राइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज अ टूल विच इज रिक्वायर्ड द हार्डर। ओके सो नेक्स्ट मशीनिंग, फॉर मशीनिंग टू टेक प्लेस टूल शुड बी पेनिट्रेटेड इन टू द वर्क पीस टू अ सर्टेन डाइमेंशन। अभी सर्टेन क्या होता है, आपको अगर यहाँ पे मशीनिंग करना है, ये दिस कंपाउंड में मशीनिंग करना है, तो आप कहाँ करेंगे, तो दिस वन इज अ लेंथ, दिस वन इज अ हाइट और दिस वन इज अ विड्थ ऑफ कंपाउंड, राइट। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होता है, हाइट डेप्थ लेंथ एंड विड्थ बताया है। सो हमें कहाँ तक करना है पेनिट्रेट का, पेनिट्रेट मीन्स वॉट, हम कुछ तो यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, पेनिट्रेशन कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं यहाँ पे। सो वी गो इन द डेप्थ, यहाँ पे हम डेप्थ में जा रहे हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, डेप्थ। राइट आंसर क्या है, डेप्थ, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग इज डन ऑन विच टाइप ऑफ सर्फेस। अभी टर्निंग मीन्स वॉट, आपको टर्निंग का याद रखना पड़ेगा। टर्निंग मीन्स क्या है कि एक हमें पार्ट है उसको हम सिलेंड्रिकली कट कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रिमूव कर रहे हैं मटेरियल। तो यहाँ पे बताया आंसर में, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। टर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। दिस सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, फ्लैट सर्फेसेस से हम नहीं कर सकते टर्निंग, टर्निंग हम सिलेंड्रिकल सर्फेस पे ही करेंगे। सो आंसर सिलेंड्रिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, शेपिंग एंड मिलिंग आर यूज टू जनरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी शेपिंग मशीन है और मिलिंग मशीन है, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन से सरफेस पे हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे दिया गया है सिलेंड्रिकल सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, इरेगुलर सरफेस, स्पेरिकल सरफेस। सो हम मैक्सिममली शेपिंग मशीन हम फ्लैट सरफेस पे ही यूज़ करेंगे। शेपिंग मीन्स क्या, हम वी प्रोवाइड द शेप, और मिलिंग मीन्स क्या, वी प्रोवाइड द, वी कट द गेयर ऑन द मशीनिंग। सो दिस वन इज अ टूल, वी प्रोवाइड, हम यहाँ पे मूव करेंगे टूल को एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे फ्लैट सरफेस ऑकर करेंगे, राइट। दिस वन इज द आंसर इज अ फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रिलिंग इज यूज टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री। अभी ड्रिलिंग मीन्स वॉट, क्या आपको याद रखना होगा, ड्रिलिंग मीन्स क्या है कि हम यहाँ पे कुछ तो होल बना रहे हैं। एक वर्कपीस है, वर्कपीस में हम यहाँ पे होल ऑकर कर रहे हैं, यहाँ पे होल बना रहे। सो क्या है, आपको डायरेक्टली याद रहेगा कि ड्रिलिंग का अगर याद रहेगा तो डायरेक्टली आप आंसर पे क्लिक कर सकते हैं, द आंसर इज द होल। आपको अदर ऑप्शन के लिए जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको
आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज। अभी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मीन्स क्या है, अभी जो एडवांस मशीनिंग है उसको हम नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन मीन्स पुराने जमाने का, नॉन ट्रेडिशनल मीन्स अभी के ज़माने में जो अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन सी मशीनिंग है, तो यहाँ पे हम पुराने में कॉन्टैक्ट मशीन कर रहे हैं, सो यहाँ पे दिस वन इज नॉट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग, यहाँ पे हम डायरेक्टली नॉन कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ तो कॉन्टैक्ट रहेगा, सो दिस वन इज अ नॉट ऑप्शन। पार्शल कॉन्टैक्ट भी नहीं है, दिस पार्शल कॉन्टैक्ट भी नहीं रहेगा, और लास्ट ऑप्शन क्या है, हाफ कॉन्टैक्ट, सो आंसर इज अ हाफ कॉन्टैक्ट मशीनिंग, और ऑल ऑफ द अबव मेंशन यहाँ पे रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अभी कौन से मशीन, अभी नॉन ट्रेडिशनल है सो अभी एडवांस मशीनिंग, सो वी यूज इन ऑल द एप्लीकेशंस लाइक ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, मेडिकल, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द मेंशन अबव। ओके, सो डिफरेंट क्लासिफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अभी क्लासिफाई करेंगे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को हम, तो अभी हम ऑल टाइप के इस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक केमिकल है, मैकेनिकल है, थर्मल है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल, सो यहाँ पे हम हर इस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, सो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव मेंशंस। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मैकेनिकल मशीनिंग मटेरियल इज रिमूव्ड बाय। अब मैकेनिकल मशीनिंग है, मैकेनिकल मशीनिंग इज नथिंग बट हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दिस वन इज अ वर्क पीस एंड दिस वन इज अ प्रोडक्ट, अ टूल, सॉरी दिस वन इज टूल, दिस वन इज टूल और दिस वन इज अ वर्क पीस, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लाए, मैकेनिकल वी मशीनिंग विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट, सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है, मीन्स वॉट, यहाँ पे हम कोरोजन से नहीं कर सकते, एब्जॉर्बेशन नहीं है और वेपराइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ला रहे हैं, सो यहाँ पे मशीन आंसर क्या रहेगा, इरोजन, इरोजन इज नथिंग बट वी रब द वर्क पीस एंड टूल एंड रिमूव द मटेरियल, इज नथिंग बट इरोजन प्रोसेस, राइट, सो आंसर इज द इरोजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रोसेस कम्स अंडर द मैकेनिकल मशीनिंग, आपको याद रखना होगा मैकेनिकल मीन्स व्हाट, कॉन्टैक्ट ला रहे हैं, और कॉन्टैक्ट कौन से मशीन में आएगा, यहाँ पे आपको वर्किंग प्रिंसिपल याद रखना होगा, यूएसएम का वर्किंग प्रिंसिपल याद होना चाहिए, ईडीएम का चाहिए, ईएलबीएम और प्लाज्मा आर्क का। अभी देखो हम पहले तीन प्रोसेस देख लेंगे, ईडीएम, ईडीएम में क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट, ई मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज मशीनिंग मीन्स इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सो दिस वन इज अ नॉट ऑप्शन, क्योंकि मैकेनिकल में हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाने वाले हैं, लेजर भी में हम लेजर यूज़ करेंगे, और प्लाज्मा में प्लाज्मा मशीन, प्लाज्मा यूज़ करेंगे, सो दिस थ्री आर नॉट अ मैकेनिकल, सो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, यूएसएम, यूएसएम में क्या करेंगे हम, दिस वन इज अ टूल एंड दिस वन इज अ वर्क पीस। अभी टूल और वर्क पीस में कॉन्टैक्ट लाएंगे कैसे, अल्ट्रासोनिक मीन्स इसको इस डायरेक्शन में हम रेगुलरली बम्बार्ड करेंगे, मीन्स इसको हम इस वर्क पीस के डायरेक्शन में रेगुलरली हम उसको बम्बार्ड मीन्स इस साइड में हम लाएंगे उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ हाई फोर्स और मटेरियल रिमूव करेंगे, यहाँ पे यहाँ का मटेरियल रिमूव होगा, दिस इज अ मैकेनिकल, सो आंसर इज अ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोशन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द जॉब टू बी मशीन। विच ऑफ द मोशन, अब क्वेश्चन किस बारे में, मोशन के बारे में पूछ रहा है, मोशन इज रिस्पॉन्सिबल डिटरमाइन ज्योमेट्री। अभी आपको कुछ ज्योमेट्री बनाया है वर्क पीस पे, कुछ ज्योमेट्री बनाना है, यहाँ से कुछ तो कट करना है मटेरियल आपको, सो डिपेंड्स कौन से पे, वर्क पीस पे भी डिपेंड रहेगा और टूल पे भी, क्योंकि अगर हम ओनली टूल को मोशन देंगे तो वन साइड ही मूव होगा टूल, अदरवाइज अगर हम वर्क पीस को मोशन देंगे तो मोशन वर्क पीस भी वन साइड ही मोशन करेगा। अगर हमें कॉम्प्लेक्स जॉब रहेगा, दिस टाइप ऑफ जॉब रहेगा, सो हमें हर एक सरफेस पे टूल को हमें ले जाना है और मशीनिंग करना है, सो वर्क पीस को भी आपको रोटेट करना पड़ेगा और टूल को भी, सो आंसर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, यहाँ पे देखो रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट हैपन टू द मटेरियल। अभी क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा मैं मशीनिंग में, सो उसका मटेरियल के स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, आपको डायरेक्टली पता है जब हम प्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसे रहेगी, उसकी डिक्रीज होगी, आपको प्लास्टिक याद रखना होगा, प्लास्टिक को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो उसकी टेम्परेचर स्ट्रेंथ कैसे रहेगी, डिक्रीज होगी, सो राइट आंसर इज अ डिक्रीजेस। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि टेम्परेचर भी बेस्ड है, एज अ टेम्परेचर इज अ इंक्रीज व्हाट अबाउट द डक्टिलिटी पूछ रहा है, डक्टिलिटी पे क्या, डक्टिलिटी मीन्स व्हाट, डक्टिलिटी आपको याद रखना कंसेप्ट, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एक्सटेंड
एज पर इज लिमिट्स। आपको रबर याद होगा, अगर हम रबर को खींचेंगे तो उसके लिमिट तक वो खींचेगा और खींच पाएंगे हम, उसके बाद वो टूट जाएगा। सो इट इज़ अ डक्टाइल प्रॉपर्टी। सो अभी टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, रबर पे टेम्परेचर देंगे तो वो ज़्यादा खींच सकेंगे हम। सो द डक्टिलिटी इज इंक्रीजेस यहाँ पे, सो डक्टिलिटी इंक्रीजेस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रेसिव। इन एब्रेसिव मशीनिंग डैश डैश आर यूज टू फॉर्म अ टूल। अभी एब्रेसिव मशीनिंग में टूल फॉर्म करने कौन सा मटेरियल अब यूज़ करेंगे। अभी एब्रेसिव मीन्स वॉट आपको याद रखना है, एब्रेसिव मीन्स वॉट आपको याद रखना है। एब्रेसिव मीन्स आपको शुगर के ग्रेन्स पता है, शुगर के स्मॉल स्मॉल ग्रेन्स रहते हैं यहाँ, ऐसे ऐसे स्मॉल 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 ग्रेन्स रहते हैं यहाँ पे। और आपको पाउडर आप जो यूज़ करते हैं केमिकल फॉर्म में पाउडर रहता है कौन सा भी, ऐसे उसके स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट रहते हैं, वैसे हम ये दिस टाइप ऑफ मटेरियल वी कॉल्ड इट एज एब्रेसिव, उसको हम एब्रेसिव बताएंगे। सो इट इज़ इन माइक्रॉन। सो हम इसको कब यूज़ करेंगे, इन अ ग्रेन ऑफ ग्रिड साइज में रहेंगे, मीन स्मॉल साइज में रहेंगे, उसको ग्रेन ऑफ ग्रिड बोलते हैं हम। सो इसका आंसर क्या है, इन एब्रेसिव मशीन ग्रेन एंड ग्रिड आर यूज टू फॉर्म अ टूल। राइट यहाँ पर। अभी नेक्स्ट मशीनिंग है एब्रेसिव मशीनिंग पे क्वेश्चन है। एब्रेसिव मशीनिंग इज यूज्ड व्हेन डैश डैश इज नीडेड। अभी हम एब्रेसिव कब यूज़ करेंगे, अभी स्मॉल है, मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि एब्रेसिव की साइज कैसे रहती है, माइक्रॉन्स में रहती है। देखो इस टाइप में माइक्रो एब्रेसिव रहते हैं, इस टाइप में एब्रेसिव रहते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर द फिनिशिंग पर्पज, फिनिशिंग पे हम यूज़ करेंगे एब्रेसिव। ओके दिस वन इज आंसर इज एब्रेसिव। ओके दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, अभी हर एक मशीनिंग पे जाएंगे, जैसे EDM है, EDM के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट LBM, WEDM, हर एक मशीनिंग पे हम मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंस से हम देखेंगे। ओके सो कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।